भारत को जानने के लिए हम भारत की यात्रा आरंभ करें। इसके पहले इतिहास वेत्ता मार्क ट्वेन भारत के बारे में क्या कहते हैं इसे सुनिए। भारत मानव जाति का पालना, मानव भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी और परंपरा की परदादी रहा है। मानव इतिहास में हमारी सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री का खजाना केवल भारत में निहित है। ये सब सुनकर आपको निश्चय ही इस बात का गर्व होगा कि आपने भारत में जन्म लिया है। और अब जब हम भारत को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें ये मालूम है कि भारत एक बेजोड़ संस्कृति वाला देश है और विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक है। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में धूप से सराबोर तटवर्ती गांवों और दक्षिण पश्चिम तट पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगलों, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर पश्चिम में थार के रेगिस्तान तक फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई वर्षों के दौरान भारत ने चहुंमुखी आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। आकार की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से 2रे स्थान पर है। पर्वतमाला और समुद्र इसे शेष एशिया से पृथक करते हैं और एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान प्रदान करते हैं। उत्तर में विशाल हिमालय, दक्षिण की ओर विस्तार के साथ कर्क रेखा पर शंकु आकार धारण किए, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर फैला है। यदि हम पृथ्वी पर इसकी स्थिति के बारे में जानकारी लें तो हमें पता चलेगा कि यह पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी भूमि की स्थिति 8 degrees 4 inches और 37 degrees 6 inches अक्षांश उत्तर और 68 degrees 7 inches और 97 degrees 25 inches देशांतर पूर्व में है। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण तक इसका अक्षांशीय विस्तार करीब 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका विस्तार 2,933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार हम भारत की स्थिति के बारे में जान चुके हैं। इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि यदि हम देखें तो ग्लोब पर हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार है कि इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल, सुदूर पूर्व में म्यांमार और पूर्व में बांग्लादेश से लगती है। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग समुद्री चैनल
श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। देश को मुख्य रूप से 6 अंचलों में विभाजित किया गया है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर अंचल में वर्गीकृत किया जा सकता है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि हम प्राकृतिक संरचना की बात करें तो मुख्य भूमि को 4 विशाल भागों में बांटा जा सकता है। विशाल हिमालयी क्षेत्र, जो कि हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है, गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में बटी हुई है। हिमालय पर्वतमाला में 3 लगभग समानांतर श्रृंखलाएं हैं जो बड़े पठारों और घाटियों से विभाजित हैं, जिनमें कश्मीर, कुल्लू जैसी कुछ विस्तृत और अत्यंत उपजाऊ घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। इन पर्वतमालाओं में विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां भी स्थित हैं। समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंची होने के कारण इसके कुछ दर्रों से होकर ही यात्रा की जा सकती है। पर्वतमाला करीब 2400 किलोमीटर में फैली हुई है, जो अलग अलग स्थानों पर 320 से 240 किलोमीटर तक चौड़ी है। कहीं ये 320 किलोमीटर तक भी है और कहीं मात्र 240 किलोमीटर तक भी चौड़ी है। इस प्रकार भारत और म्यांमार तथा भारत और बांग्लादेश के बीच अपेक्षाकृत कम ऊंचाई की पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। इसके बाद हम दूसरे भाग पर आते हैं, गंगा और सिंधु के मैदानी भाग। करीब 2400 किलोमीटर लंबे और 320 किलोमीटर चौड़े हैं, जो 3 विशेष नदी प्रणालियों, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के थालों से मिलकर बने हुए हैं। ये मैदान नदियों की बाढ़ के साथ बहकर आई कछारी मिट्टी से बने दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक है और धरती पर सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। दिल्ली में यमुना और बंगाल की खाड़ी के बीच करीब 1600 किलोमीटर क्षेत्र की ऊंचाई में केवल 200 मीटर की ढाल है। इसके बाद हम भारत के पश्चिम में आए तो रेगिस्तानी भाग मिलता है, जिसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, वृहत रेगिस्तान और लघु रेगिस्तान। वृहत रेगिस्तान गुजरात में कच्छ के रण से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला हुआ है, जिसमें समूचा राजस्थान सिंध सीमावर्ती क्षेत्र समाहित है। लघु रेगिस्तान का विस्तार जोधपुर और जैसलमेर के बीच लूनी से उत्तर पश्चिम तक है। वृहत और लघु रेगिस्तानों के बीच बंजर भूमि क्षेत्र है, जिसमें चूना पत्थर की पहाड़ियों से सटी चट्टानी भूमि शामिल है। चौथा भाग जो इनके मध्य का है वह है प्रायद्वीपीय पठार, जो गंगा सिंधु के मैदान के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें 460 से 1220 किलोमीटर तक अलग अलग ऊंचाई वाले पहाड़ और पर्वतमालाएं शामिल हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकल,
अजंता पर्वतमालाएं प्रमुख हैं। यहाँ पर पश्चिम घाटों और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है, जबकि पूर्वी घाटों और बंगाल की खाड़ी के बीच एक बृहत्तर तटवर्ती क्षेत्र है। पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पर्वतमाला से निर्मित है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। उसके परे कार्डेमम हिल्स हैं, जिसे पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। यदि हम भूगर्भीय संरचना के बारे में बात करें तो हमें ज्ञात होगा कि भारत का भूगर्भीय क्षेत्र अनेक भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है और ये माना गया कि करीब 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई हलचलों से हुए पर्वत निर्माण की श्रृंखलाओं से और उसके बाद मौसमी परिवर्तनों और भूक्षरण से चट्टानों के टूटने के कारण मैदानों का निर्माण हुआ, जो आज हमें दिखाई देता है। प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र है और इसमें कभी कभार भूकंप से हलचल पैदा होती है। भूगर्भीय वैज्ञानिकों का मानना है कि 380 करोड़ वर्ष पूर्व धरती के निर्माण के समय के अत्यंत प्राचीन कायांतरित शैल भारत में पाए जाते हैं। भारत में इतनी सारे पर्वत श्रृंखलाओं के होने से अनेक नदी प्रणालियां हैं। इन नदी प्रणालियों को हम 4 समूहों में विभक्त करते हैं। हिमालयी नदियां, दक्षिणी नदियां, तटवर्तीय नदियां और अंतर्देशीय बरसाती नदियां। हिमालयी नदियां बर्फ़ और हिमनदों के पिघलने से बनती हैं, इसलिए ये वर्ष भर निरंतर बहती रहती हैं, किंतु मानसून के महीनों में तेज वर्षा के कारण इनमें बार बार बाढ़ आती है। दक्षिणी नदियां वर्षा पर निर्भर हैं, अतः उनका आकार घटता बढ़ता रहता है। कई नदियां बारहमासी नहीं हैं। तटवर्ती नदियां विशेषकर पश्चिमी तटवर्ती नदियों की लंबाई अधिक नहीं है, उनके जलग्रहण क्षेत्र भी सीमित हैं। अधिकतर वे बरसाती नदियां ही हैं और ये बरसाती नदियां पश्चिमी रेगिस्तान से संबद्ध हैं, जो गिनी चुनी और अलग थलग हैं। समूचे देश को 20 नदी घाटियों या नदी थालों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से 12 बड़े थाले और 8 संयुक्त नदी थाले हैं। जो 12 बड़े नदी थाले हैं वे हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, ब्राह्मणी, वैतरणी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। जबकि इनमें जो 8 संयुक्त नदी थाले हैं वे लघु नदी प्रणालियों को उपयुक्त ढंग से जोड़ते हैं। सुवर्ण रेखा थाला महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, तीसरी हैं पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच
पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। चौथी, राजस्थान में थार की रेगिस्तान में बहने वाली अंतर्देशीय बहाव वाली नदियाँ। पांचवी, लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ताप्ती से तांद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तांद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और म्यांमार और बांग्लादेश की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। इस प्रकार ये 8 संयुक्त नदी थाले हैं। जलवायु और ऋतुओं की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत में उष्णकटिबंधीय बरसाती जलवायु कही जाती है और इस हिमालयी राज्यों के अधिक समशीतोष्ण होते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है। एक ओर देश में बहुत ज़्यादा तापमान वाले इलाके भी हैं और दूसरी ओर बहुत कम तापमान वाले इलाके कश्मीर में स्थित हैं। एक ओर बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं और दूसरी ओर चेरापूंजी जैसे बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी भारत में ही पाए जाते हैं। यदि हम भारत की जलवायु के साथ साथ मौसम के बारे में, ऋतुओं के बारे में बात करें तो ज्योतिषीय वर्गीकरण की दृष्टि से प्राचीन हिंदू कैलेंडर ने 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटा है और ये 6 ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ये कही जाती हैं। हमने 3 भागों में मौसम के आधार पर इनको गर्मी, सर्दी और बरसात के रूप में बांटा हुआ है। भारत वनस्पति और जीव संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध माना जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पादप विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार अभी तक मात्र 70% क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 46,000 पादप जातियां और उत्कृष्ट वनस्पतियों की 15,000 किस्में पाई जाती हैं। बहुत समृद्ध वन क्षेत्र हमारे पास में है। अनेक प्रकार की वनस्पतियों, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे भारत में मिलती हैं। इन पादप प्रजातियों के अस्तित्व के कारण ही हमारा वनस्पति विज्ञान बहुत ही विकसित है। जैविक विविधता भी भारत में उतनी ही समृद्ध है। अपनी बेजोड़ जैविक भौगोलिक अवस्थिति, विविधतापूर्ण जलवायु स्थितियों और असंख्य पारिस्थितिकी विविधता और भू विविधता के कारण जैविक विविधता की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध है।
भारत की विशाल जैविक विविधता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसकी विविधता का श्रेय भौतिक और जलवायु स्थितियों में व्यापक भिन्नता को ही जाता है। उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, अल्पाइन, सब प्रकार की जैव भौगोलिक वर्गीकरण यहाँ पाए जाते हैं। कुल जीव जंतुओं की यदि हम प्रजातियों का अध्ययन करें तो मात्र कीटों की 61,375 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अनुमान है कि अकेले भारत में जितनी जीवों की प्रजातियां विद्यमान हैं उससे करीब दोगुना ऐसी हैं जिनकी अभी खोज की जानी है, क्योंकि अनेक जीव जंतुओं का अभी तक हमें मालूम भी नहीं पड़ा है। न केवल जीव जंतुओं की दृष्टि से समृद्ध है भारत, जनसांख्यिकीय दृष्टि से भी समृद्ध है। भारत की जनगणना 2001 अर्थात 21वीं सदी के आरंभ में यदि हम देखें तो उसके आंकड़े कुछ इस प्रकार के रहे कि एक शताब्दी और सहस्राब्दी परिवर्तन के समय देश में प्रचुर मानव संसाधनों की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। भारत में 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी। इसे दो चरणों में कराया गया था। 1 मार्च 2011 को देश में 121.09 करोड़ लोग थे, जिनमें से 62.32 करोड़ पुरुष और 58.76 करोड़ महिलाएं थीं। भारत की ये जनसंख्या यदि हम देखें तो विश्व में द्वितीय स्थान पर आते हैं। चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान आता है। घनत्व की दृष्टि से प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भारत में 382 रही और लिंग अनुपात की दृष्टि से अर्थात 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या यदि हम 2011 के लिए देखें तो 919 अर्थात 1,000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थीं। साक्षरता की दर जो अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही कम है, 2011 की जनगणना में साक्षर लोगों का प्रतिशत 73 था, जिसमें 80.9% पुरुषों के लिए
और 64.6% महिलाओं के लिए था। देश में केरल राज्य प्रथम स्थान पर रहा, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता 94% थी। इस प्रकार हम भारत को इसकी मोटी मोटी तौर पर जान गए हैं। आप सबको ज्ञात है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश रहा है और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से हमने लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की और वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यदि हम देखें तो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो रंग हैं वे हमें प्रेरित करते हैं। जो ऑरेंज कलर है वो शौर्य का है, जो वाइट कलर है वह हमारी शुचिता और हमारी पवित्रता का है, हरा रंग हमारी खुशहाली को बताता है और ये चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं और जो नीले रंग का है यह उस काल के बारे में जो निरंतर चल रहा है उस चक्र के बारे में बताता है जो निरंतर चल रहा है और हमें निरंतर चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत को जानने के लिए आज बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर भारत के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।